हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब चैनल हमको लगता है छोड़ना पड़ेगा। किस लिए छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि मैं एक साल से यूट्यूब में काम कर रहा हूँ, अभी तक हमारा एक रुपया नहीं आया है। सब लोग ताना मारा करते हैं, राम जी का कश्यप ब्लॉगिंग वाले का बहुत पैसा आ रहा है, ये है वो कहते हैं। बहुत लोग ताना मारते परेशान हो गए हैं, पैसा अभी तक एक रुपया नहीं आया। सब्सक्राइबर 1733 हो गए, वॉच टाइम घंटा होने वाला है वो भी पूरा भी हुआ नहीं है। रात दिन नए कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जितना ज़्यादा सरकारी नौकरी फलुहा चलाते लोग नौकरी करते हैं, उससे ज़्यादा यूट्यूब पर मेहनत करना पड़ता है। तो यूट्यूब से पैसा कमाना कोई खिलवाड़ नहीं है, सख्त नियम करना पड़ता, रात दिन एक करना पड़ता है, इतना मेहनत करना पड़ता है। जो 8 घंटा फलुहा चलाता उससे ज़्यादा 16 घंटा टाइम चला जाता, कैसे सीखे, कैसे वीडियो बनाए, कैसे एडिटिंग करें, सारा दिन इसी में लगे रहो। जब कहीं जाके 17, 18, 20, 50 कहीं पे व्यू जाते हैं, एक आधे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। सब्सक्राइबर बढ़ाने से कुछ नहीं होता जब तक व्यूज नहीं आएंगे यूट्यूब में, जब तक चैनल मोनिटाइज नहीं होता जब तक कुछ नहीं होता। भाई छोटे क्रिएटर लोग सीख लो, अगर यूट्यूब में काम करना चाहते हैं तो घर से फ्री हो तो ठीक है यूट्यूब चलाना, और 2-3 साल का टाइम देना पड़ता है। आपकी नसीब हो तो 6 महीने 1 साल में वायरल हो जाए, कोई वीडियो चल जाए। कॉपीराइट स्ट्राइक को देखना पड़ता है, कॉपीराइट देखना पड़ता, कहीं भी वीडियो बनाओ वहाँ गाना नहीं बजना चाहिए, लाइव चलाओ तो गाना नहीं बजना चाहिए। इसीलिए मैं करते करते 200 वीडियो हमारे डिलीट करना पड़ता। जिस दिन से 200 वीडियो डिलीट कर दिया तो दोस्तों उसी दिन से हमारा वीडियो आना अंदर नहीं रुक गया, परेशान हो गए लाइव में। लाइव चलाते हैं तब कोई जुड़ता नहीं है, पहले जुड़ते थे, जब तक वीडियो डिलीट कर दी जब तक कोई जुड़ता ही नहीं। और मैं सबके में जुड़ता हूँ, पता नहीं यूट्यूब क्यों रोक रखा मेरा व्यूज। चलिए कोई बात नहीं, मेहनत करते रहना, आप लोग मेहनत करना, यूट्यूब में बहुत पैसा है, मेहनत करना पड़ता है। सब लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं, 100 में 10 लोग सक्सेस हो पाते हैं। सब लोग सक्सेस हो जाएंगे तो सब लोग नौकरी नहीं करेंगे, सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, फांसी भी आ जाती है, सब चीज़ परेशान होना पड़ता है। देखो चेहरा कितना पतला हो गया, आँख दर्द करने लगते हैं, आँसू निकल आते हैं। लाइव चलाते चलाते यूट्यूब में घूर घूर के देखना पड़ता है, फूक फूक के चलना पड़ता है, कहीं पे कॉपीराइट आ रहा, कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा, क्या आ रहा, बहुत गाइडलाइंस को देखना पड़ता है। नया अपडेट आ गया, अलग रेस्ट्रिक्ट का आ गया है, वीडियो यूट्यूब से अपलोड करना पड़ता है, वाई स्टूडियो बजाना पड़ता है, डिस्क्रिप्शन टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग ये सब लगाना पड़ता है, शॉर्ट में हैशटैग लगाना पड़ता है, ग्रिड वीडियो में वहाँ भी अपना वॉइस दो, फेस लगाओ, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। पता है यूट्यूब में पिक्सल ऐसे थंबनेल बनाओ, घंटों लग जाता है थंबनेल बनाने में, फिर भी व्यूज कितना आ रहा, 8, 10, 5, 2। आप लोग बताइए क्या ऐसा पैसा आएगा यूट्यूब से? एक साल मेहनत करते अगर 10,000 बचता तो 1,20,000 कमा लेते, अभी तक इस पर कितना कमाए, एक पाई भी नहीं कमाए हैं। नाम चल रहा राम जी कश्यप लॉगिन यूट्यूब चैनल वाले, कितना बड़ा नाम, रुपया नाम बड़ा दर्शन छोटा। तो आप लोग फुल वॉच के साथ मेरा वीडियो देखना, और वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन घंटी प्रेस कर देना, कमेंट करके बताना कि हम यूट्यूब चलाएं या यथार्थ ना चलाएं। आप लोग कमेंट करिए, देखते हैं राम भाई को कितने लोग चाहते हैं, आखिर आप हमारे आइडिया से भगवान के रूम। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं लाइक यूट्यूब में काम करूंगा, अगर नहीं कहोगे तो नहीं छोड़ दूंगा। आप लोग बताइए, कमेंट करिए। अच्छा कितने लोग हमारा वीडियो किस जिला और किस स्टेट से देख रहे हैं, प्लीज़ ये वीडियो हमारा 5-5 लोगों के पास भेज दीजिए तो हम फिर यूट्यूब नहीं छोड़ेंगे। देखते हैं कितने लोग मुझे चाहते हैं यूट्यूब पे। ज़्यादा बात ना करते हुए
अपने बाड़ी को विराम करते हैं, कल खिले तो फूल भी खिलेंगे और सबका प्यार मोहब्बत मिलेगा, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, में वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।